आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। कैसा लगा ये गाना दोस्तों? आज अब मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ कंपनी का नया टूर टारगेट। एक बार फिर से आपको मौका मिल गया है विदेश जाने का। अगर आपने नया नया ज्वाइन किया है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पर अगर आपने पहले से ज्वाइन कर रखा है और आपने किसी लेवल को अचीव कर लिया है, चाहे आप सिल्वर लेवल पे हों या अभी फ्रेशर हों, सिल्वर लेवल पे हों, गोल्ड लेवल पे हों या किसी भी लेवल पे हों, तो डायमंड तक के लिए ये टारगेट है। वैसे टारगेट डायमंड के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का टारगेट डायमंड होता है और वो डायमंड बन चुके होते हैं, वो तो मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन आप लोगों का सपना अगर डायमंड बनना है तो उनके लिए नया टारगेट आया है। इस टारगेट को कैसे पूरा करें, टारगेट क्या है, इसको हम देखेंगे। कंपनी ने तीन तरह का टारगेट लॉन्च किया है, जैसे कि पहले भी दो बार कर चुका है। तीन तरह का टारगेट है। पहला टारगेट है मोबाइल का टारगेट, स्मार्टफोन। दूसरा टारगेट है बैंकॉक पटाया का, और तीसरा टारगेट है यूरोप का टूर। इनमें से कोई भी टूर आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी टीम में एक जोश जून जज्बा भर जाएगा। उसके बाद सेल होगा नहीं, सेल की बरसात होगी। आपको डायमंड बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपके नीचे वाले आपके डाउनलाइन अगर देखते हैं कि आपका अपलाइन कोई टारगेट कंप्लीट कर रहा है, तो वो उनके अंदर जोश चढ़ता है कि वो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी को बताते हैं कि उस टीम का कोई व्यक्ति टारगेट कंप्लीट कर चुका है, तो किसी और का फोटो दिखाते हैं कि इसने टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तो वो कहते हैं कि हाँ वो लोग कुछ अजीब टाइप के होंगे जिन्होंने कर लिया होगा, ये सब के बस की बात नहीं है। पर जब आप करते हैं तो आप वहाँ पे अपने आप को डायरेक्ट डाउनलाइन को कह सकते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें आप उनको भी इनकरेज कर सकते हैं और आपकी टीम में फिर सेल की बरसात आ जाएगी। तो आज से लक्ष्य बनाइए, आज से ही 4 मार्च 2018 से 5 जून 2018 तक का टारगेट है। इन दिनों में अगर आपने सेल का टारगेट कंप्लीट कर लिया, अपने सेल पिंग का पेयर बनाने में आप अगर सक्सेस हुए, तो आप स्मार्टफोन जीत सकते हैं, या फिर आप बैंकॉक पटाया जा सकते हैं, या फिर आप यूरोप टूर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरोप टूर। तो देखते हैं इस टूर में क्या क्या, किस लेवल के लिए क्या क्या टारगेट है। प्रत्येक लेवल के लिए है, सातों लेवल के लिए, फ्रेशर से लेकर के डायमंड तक के लिए। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल पे हैं और इस टारगेट को कितनी स्पीड में कितनी जल्दी अचीव करते हैं और कितनी जल्दी आप डायमंड के रेस में आते हैं और डायमंड बन करके अपने जीवन को सारे सपने को पूरा करते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपका नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन लाल है या ब्लैक है। अगर लाल है तो उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लें, यानी कि ब्लैक कर दें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर ब्लैक है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे दोबारा टच ना करें। और चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं हूं चंद्र सागर और सिक्योर लाइफ में आपका स्वागत है। और चलिए देखते हैं इसका टारगेट क्या है। मेक सेलिंग एंड लर्निंग द फोकस ऑफ योर समर, बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। समर चैलेंज, समर चैलेंज रन 4th March 2018 to 5 June 2018। जी हाँ दोस्तों, आ गया है आपके सामने अब ये इस कंपनी का चैलेंज। अगर इस चैलेंज को आपने पूरा कर लिया तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द डायमंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द डायमंड बनने वाले हैं। जो लोग डायमंड बन चुके हैं उनके लिए भी ये टारगेट है, लेकिन उनका टारगेट तो होना तय ही है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने ज्वाइन किया है, अगर आप फ्रेशर लेवल पे हैं, सिल्वर लेवल पे हैं या गोल्ड लेवल पे हैं, तो आपके लिए ये बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को आपने पूरा कर दिया, यूँ समझ लीजिए कि सेल की बरसात लग जाएगी। बस आपको 90 दिन का टाइम मिलता है। इस 90 दिन के अंदर में आपको पूरा करना है कुछ सेल का टारगेट। अगर आपने कोई भी चैलेंज टारगेट कंप्लीट कर लिया तो आपके टीम में सेल की बरसात लग जाएगी। आपके टीम में कई लोग उत्साह के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाने में लग जाएंगे और आपको डायमंड बनने में देर नहीं लगेगी। तो जानते हैं कि इसमें हमारा टारगेट क्या क्या है। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको डिटेल में देखते हैं। फ्रेशर के लिए 32 पेयर सेल है, जिस पर आपको मिलता है स्मार्टफोन। 48 पेयर सेल पे थाईलैंड टूर, बैंकॉक और पटाया।
और 90 पेयर सेल पर आपको मिलता है यूरोप टूर, मतलब 32 पेयर यानी कि 64 सेल। 96 सेल आपने कर दिया तो थाईलैंड टूर बैंकॉक और पटाया जा सकते हैं, और अगर 90 पेयर आपने सेल कर दिया यानी कि 180 सेल अगर आपने कर दिया इस 3 महीने के अंदर में तो यूरोप टूर आप जा सकते हैं। ये रहा फ्रेशर लेवल के लिए। चलिए अब देखते हैं सिल्वर लेवल के लिए। सिल्वर लेवल के लिए 48 पेयर सेल, 79 पेयर सेल पे थाईलैंड टूर और बैंकॉक पटाया टूर, 132 सेल पे आप यूरोप टूर कर सकते हैं। और ये रहा गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए 63 पेयर पे स्मार्टफोन, 105 पेयर सेल पे थाईलैंड टूर बैंकॉक और पटाया का, और 163 पेयर सेल पर आप यूरोप टूर जा सकते हैं। और पर लेवल के लिए थोड़ा सा टारगेट, उनके ही टीम चूँकि बड़ी होती है तो उनका लिए थोड़ा सा टारगेट बड़ा है कि 147 सेल पे वो थाईलैंड टूर बैंकॉक और पटाया जा सकते हैं, 163 पेयर सेल पे आप यूरोप टूर जा सकते हैं। तो इस तरीके से इनका पर लेवल के लिए ये था। और अब आते हैं टोपाज लेवल के लिए। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि चौथा लेवल है टोपाज, तो टोपाज लेवल के लिए 210 पेयर पे थाईलैंड टूर है बैंकॉक और पटाया। पर्ल और टोपाज के लिए मोबाइल फ़ोन का टारगेट नहीं है। 373 पेयर सेल पर यूरोप टूर इनके लिए है। और अब चलते हैं अमरेड लेवल के लिए, जिनकी टीम होती है 2500 लोगों से लेकर के 4999 लोगों की। तो इनके लिए टारगेट है 252 पेयर सेल थाईलैंड टूर बैंकॉक पटाया का, और 430 पेयर सेल पर मिलता है इन्हें यूरोप टूर। और अब आते हैं रूबी के लिए। रूबी के लिए सिर्फ और सिर्फ यूरोप टूर है, उनके लिए बैंकॉक पटाया का टूर नहीं है। पर यूरोप टूर के लिए इनको यदि 630 पेयर करने में सफल होते हैं, यदि ये 630 पेयर करने में सफल होते हैं तो इनको यूरोप टूर जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि इनकी टीम 5000 लोगों की होती है, 5000 प्लस लोगों की होती है। तो 5000 प्लस लोगों के लिए ये 630 पेयर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अब चलते हैं डायमंड के लिए। ये डायमंड के लिए भी टारगेट है, तो डायमंड के लिए 2520 पेयर, जिसकी टीम 10000 लोगों की है, उसके लिए 2500 यानी कि 2500 सेल लाना कौन सा मुश्किल काम है। तो 2500 पेयर यदि इनका सेल पूरा होता है तो ये जाएंगे यूरोप टूर। तो रूबी और डायमंड के लिए सिर्फ यूरोप का टूर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज से अपने टारगेट पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपना लक्ष्य को पर डे के हिसाब से डिवाइड करते हुए उस पर फोकस करेंगे। अपनी पूरी टीम पर आप जोर लगाएं और तय कर लें, आज से अपना लक्ष्य बना लें कि मुझे यूरोप का टूर कंप्लीट करना है। अगर आपने यूरोप का टूर टारगेट अपने मन में ठान लिया है तो अगर आप वहाँ तक दौड़ने की कोशिश करेंगे तो चलिए आप वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाएंगे, कोई बात नहीं, बैंकॉक पटाया तो आप जा ही सकते हैं। और अगर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए तो क्या लगता है आपको कि आप स्मार्टफोन भी नहीं जीतेंगे? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ भी कोई भी टारगेट पूरा करना। अगर आपने कोई भी टारगेट पूरा कर लिया तो आपकी टीम में लगेगा कि हमारे सीनियर टारगेट को पूरा कर रहे हैं तो मुझे भी टारगेट पूरा करना है, और ये नामुमकिन नहीं है। क्योंकि हम जब बताते हैं कि किसी और टीम में वो लोग, उन्होंने कार खरीद लिया, वो विदेश गए या उन्होंने टारगेट पूरा किया, तो लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। मोटिवेट वो तब होते हैं जब वो आपको देखते हैं। तो अगर आप खुद से मोटिवेट होते हैं, और अपनी टीम को आप मोटिवेट करने के लिए आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप जीत सकते हैं तो आपकी टीम वाले भी बहुत सारे लोग जीतेंगे। हारने वाली टीम में कोई आगे नहीं बढ़ता है, जीतने वाली टीम में लोग बढ़ते हैं। तो अपने मन में ठान लीजिए और तय कर लीजिए। जय सेफ सॉप, जय हिंद। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, देखो।